जमीन पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में 8 नवंबर से जेल में बंद कंप्यूटर बाबा की अर्जी पर रविवार को हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की थी। धारा 151 के तहत बाबा को एसडीएम कोर्ट से राहत नहीं मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने दो और केस उन पर दर्ज कर लिए थे। इन सब के खिलाफ बाबा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं पुलिस बाबा को करीब 5:30 बजे जिला कोर्ट लेकर पहुंची। यहां पर उन्हें पहले न्यायाधीश रेणुका कंचन की कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद 13 नंबर कोर्ट में न्यायाधीश राकेश कुमार की कोर्ट में पेश किया गया, जहां अंबिकापुर में मारपीट वाले मामले में पुलिस ने 2 दिन का रिमांड मांगा था, जिसे न्यायाधीश राकेश कुमार पाटीदार की कोर्ट ने स्वीकारते हुए 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया। गौरतलब है कि एरोड्रम थाना पुलिस ऑफ कंप्यूटर बाबा को मंगलवार शाम 4 बजे कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। दो मामले थे इनके। एक मामला था गांधीनगर थाने का, जो शासी कार्य में बाधा और एस्ट्रोसिटी का मामला था। उस मामले में विशेष न्यायालय के द्वारा उनकी जमानत स्वीकार की गई। और एक और अन्य मामला था एरोड्रम थाने का, जहां पर इन्होंने जो अंबिकापुरी आश्रम की जो घटना थी, जहां पर आसपास के निवासियों को लेकर जो ये मारपीट हुई थी, उस मामले में उन 1 दिन का कल तक का पुलिस रिमांड मिला हमको। 1 दिन का दोनों में सर रिमांड मांगा गया था और क्या? हाँ, दोनों में कोई जब्त होना है। दोनों में पुलिस रिमांड मांगा गया था, तो एक में पुलिस रिमांड रिजेक्ट हुआ और जो एरोड्रम का मामला था उसमें तलवार वगैरह जब्त करना, उस जब्ती के लिए 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया। क्या पक्ष रखा गया था सर? एक उसमें अनुसंधान प्रकरण थे, अनुसंधान में और वेपन जब्त करना है, इसलिए वो अभी इन्हें सर फिर जेल से लेंगे रिमांड पर। नहीं, यहाँ से ले गए एरोड्रम पुलिस, एरोड्रम पुलिस ले गए। कल 4 बजे पेश करेंगे जी सर। और उनका